पंजाब सरकार ने होशियारपुर में पहला सरकारी लड़कियों का ड्राइविंग स्कूल शुरू किया है। यहां लड़कियां मुफ्त में सरकार की तरफ से कार चलाना सीखकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जिसकी आज रस्मी शुरुआत कैबिनेट मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा की गई। एनस्टार न्यूज के लिए मुकेरिया से जॉनी गिरा की रिपोर्ट। पर्दा की है आज का जो समय है पढ़ाओ दे दीन असी जड़ा अज प्रोजैक्ट शुरू किया है मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जो अगुवाई पंजाब जड़ा है जो प्रोमिस किए जो भी लोगों असी 2017 गए से उन्होंने वादियां पूरा करते हुए अज मेरे लिए बड़ी खुशी वाली गल है कि असी जड़ा ट्रेनिंग स्कूल बच्चियों वास्ते खोलिया कि बच्चियां अपने आप के अंदर खड़िया हो सकन उन्होंने एक रुजगार दे लई जड़ा अज ट्रेनिंग स्कूल खोलिया गया। इन्हां दे नाल बकायदा सारा इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन का किया गया पुलिस का किया गया पूरी प्रॉपर ढंग दे नाल जड़ा ये बच्चियां एक महीने के अंदर अंदर असी इन्हों लाइसेंस देंगे फ्री ट्रेनिंग स्कूल फ्री लाइसेंस कि बच्चियां अपने पैरों पर खड़िया हो सकन उदे लिए स्कूल शुरू किया गया। बच्चियों तो किन्ने ये 20 बच्चियों का एक बैच है और शनि और ऐतवार ट्रेनिंग दी जाएगी बाकी दिन जो उन्होंने कॉलेज होंगे ने और शनि और ऐतवार ट्रेनिंग दी जाएगी सिक्योरिटी गार्ड नाल रहेगा ड्राइवर एक बच्ची नाल रहेगी प्रॉपर उन्होंने एक महीने के अंदर लर्निंग और सवा दो महीने के प्रॉपर लाइसेंस दे के उन्होंने सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब अटल जल योजना के शामिल करने वास्ते कहा क्या गया क्योंकि पानी का जो स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है जिसको लेकर सरकार ने जो चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री ने उसको लेकर तुम क्या कहना चाहते। देखो ये पंजाब को जरूरत है और पंजाब जड़ा है देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जड़ा जाने जाता है पहला खेती प्रधान सूबा सी असी पूरे हिंदुस्तान नू आप कह सकते हैं कि पूरी जड़ा खेती का जो साड़ा भंडार है असी सारी इंडिया नू सप्लाई करते हैं और जड़े पानी की समस्या है वह बहुत गंभीर समस्या है। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने जड़ा ये लैटर लिखे प्राइम मिनिस्टर नू जां नू उहदी जरूरत है और सेंटर नू इहनू जल्द ही प्रवान करना चाहिए। 18 अगस्त में सिद्धू साहब पाकिस्तान गए थे उन्होंने निजी दौरा से पर उन्होंने जी सहूलत वो एक MLA दियाँ लिया ने RTI के सामने आए थे की कहना ये तो सिद्धू साहब को पूछ लो तो ज़्यादा बैटर है। अच्छा जी जे आप लैके जो है सरकार के जोड़ा है लोग कह रहे हैं सर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जी ये सरकार ना जिदा कोई चीज़ बढ़ जाती या घट जाती वह करते हैं सरकार की कोई ये है नहीं है कोई गल अज पेपर च आया कि रेल किराए बढ़ रहे हैं जड़िया ये छोटी मोटिया चीज़ा कोई एड्डी गल नहीं है चलदिया रहा ने लेकिन असी ये चीज़ सोचते हैं सारिया चीज़ा देखिया जाए ने जड़िया पंजाब सरकार के अधीन डायरैक्ट जड़िया बिल्कुल अंडर आदि ने जड़िया उन्हां बारे असी पंजाब सरकार फैसला करती है जिहड़ियां बॉडी रेगुलेटर अथॉरिटियां बन जांदियां ने वह अथॉरिटी फैसला करती है। इंडस्ट्री के उत्ते जिहड़ा इहदा बहुत फर्क पैगा क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारी इंडस्ट्री पहला ही बिजली दे दाम बदन करके सर असी इंडस्ट्री नूं बिजली 5 रुपए यूनिट दे रहे जिहड़ियां 24 आवर इंडस्ट्री चल रही ने उन्हां नूं 5 रुपए ही यूनिट लग रहा है। जिहड़ी इंडस्ट्री पूरे देश दे अंदर मंदी दा माहौल है जिहड़ी इंडस्ट्री 24 आवर नहीं चल रही 8 घंटे चल रही है 12 घंटे चल रही है जिहड़े फिक्स चार्जेस ने चाहे वह 24 आवर चले वह भी उन्ने ने चाहे 8 घंटे चले फिक्स चार्जेस उन्ने ने उहदे करके जिहड़ा उन्हां नूं बिल थोड़ा ज़्यादा पै रहा है। ये जल्दी मंदी निकल जाएगी कोई ऐसी गल नहीं माहौल अच्छा आएगा। पंजाब की इंडस्ट्री जिहड़ी है तुसीं देखो किन्ने लोड बधे किन्नी इंडस्ट्री लगी ये तुसीं आने वाले समय के अंदर ये चीज़ दूर हो जाएगी इस वेले पूरे देश के अंदर थोड़ा मंदी है। मैडम प्रदेश में जो पहला जो लड़कियों के लिए जो सिखलाई केंद्र खोला गया है उसको लेकर कैसे प्रबंध किया गया प्रशासन की तरफ से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आज जो ड्राइविंग क्लासेस कुड़ियों वास्ते स्टार्ट की गई हैं होशियारपुर में ये वीकेंड क्लासेस हैं जिस विच 20 क्लासेस बच्चियों को दी जाएंगी। सारी बच्चियाँ जिहड़ी हैं गवर्नमेंट कॉलेज दी बच्चियाँ ने जिहड़ी पढ़ रही हैं तो असीं चाहते हैं कि सारी वो इंडिपेंडेंट बनन किसी पर भी उन्होंने निर्भर न करना पे अपनी ट्यूशन जाना है कॉलेज जाना है कहीं जाना है वो खुद अपना गाड़ी चला सके तो उन्होंने एम्पावर करने वास्ते स्कीम चलाई गई है तो इस वीकेंड कॉन्सैप्ट है क्योंकि सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो 20 क्लासेस मिनिमम है उसके बाद इन्हों ट्रेनिंग लाइसेंस एंड पक्का लाइसेंस भी असी आफ्टर पासिंग द टेस्ट इतों ही जारी करांगे अलोंग विद द सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग। ये पंजाब दे विच पहला प्रोजेक्ट है होर कितें भी चालू
ये मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं और है या नहीं, बिकॉज हमने इसनों इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मैंने लग्या कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों को इंडिपेंडेंट करने वास्ते, एंड प्लस मेरी जानकारी में नहीं है कि अगर कहीं और इदा का प्रोजेक्ट चलिया हो। ये बहुत ही यूनीक कॉन्सैप्ट है जो असं इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चों को असं एक सिखलाई देिए, एक हुनर देिए। सुरक्षा लैके की इस यहाँ पे पेस्को के गार्ड हो गए जो उपलब्ध होंगे, इतने इंस्ट्रक्टर जोड़े ने वो लाइसेंस ड्राइविंग स्कूल के नाल असी कोऑर्डिनेशन किया, जो दो गड्डिया सानू प्रोवाइड करेंगे, इतने इंस्ट्रक्टर होंगे प्लस DPO ऑफिस तो ऑल्टरनेट करके इतने लेडी मैंबरस भी वीकेंड से लगाए जाएंगे ताकि हर पक्षों सुरक्षा पुख्ता होए। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ? ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਐਨਸਟਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਮੁਕੇਰੀਆ ਸੇ ਜੌਨੀ ਗੇਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।